खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से है, जहां भिलाई नगर निगम के कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में लेट लतीफी को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। निगम कर्मचारियों ने पार्षदों और अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं निगम कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के चलते कार्यालय के कामकाज ठप रहे, इससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिलने से परेशान निगम कर्मचारी मुख्यालय के सामने विरोध स्वरूप धरने पर बैठ गए। तो इससे पहले निगम कर्मियों को दीपावली के समय संचित निधि से वेतन का भुगतान किया गया था। इसके बाद अक्टूबर का महीना बिना वेतन का बीत गया और नवंबर का महीना खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था नहीं हो सकी है। नगर निगम की आर्थिक स्थिति खराब होने का अहम कारण राजस्व वसूली की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को दिए जाने के निर्णय को माना जा रहा है। वहीं आर्थिक स्थिति सही नहीं होने से कर्मचारियों को वेतन भुगतान में दिक्कतें हो रही हैं। अब देखना होगा कि निगम कर्मचारियों के वेतन भुगतान के प्रशासन क्या इंतजाम करता है। सीधे मुद्दे पे मैं आता हूं कि हम लोगों को जो है अक्टूबर का वेतन जो है नवंबर 1 तारीख को मिलना था, तो वो आज 23 तारीख तक के हम लोगों को वेतन नहीं मिला। और सेम स्थिति सितंबर में अक्टूबर में दिवाली के समय भी हम लोगों को बहुत लेट वेतन मिला। तो 2 महीने से लगातार वेतन बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा है। इसकी वजह से हमारे छोटे कर्मचारियों को सारे लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है और हम लोग गवर्नमेंट के पूरे काम कर रहे हैं। और अभी नवंबर पर दिसंबर का जो वेतन मिलना है 1 दिसंबर को, मुझे नहीं लगता कि हमारा पेट आटा पूरा मन के तैयार है कि दिसंबर 1 या 2 को या 10 दिसंबर तक ये लोग दे पाएंगे। मतलब पेमेंट नहीं हो रहा हम लोग का, हमको घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और पहली बात, जो जो लोन में है सबका EMI 1 तारीख को कटता है, और जैसे नहीं जाता तो उसका हम लोग को पेनल्टी भरना पड़ता है और हमारा सिविल खराब हो जाता है इसमें।